प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम सब आज की शाम में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से संगति करने को तैयार हैं। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन गाएं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उन्हें किसी ने धोखा दिया, जिस कारण से वो डिप्रेशन में चले गए और वो बहुत परेशान रहने लगे। परंतु जब से उन्होंने हमारे वीडियोस यानी कि प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थनाओं को और वचनों को सुनना शुरू किया और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में परिवर्तन किया और वो पूर्ण रूप से उस डिप्रेशन से बाहर आ गई। जब वो उस डिप्रेशन से बाहर आ गई तब उन्होंने जाना कि हकीकत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो प्यार हमसे करता है वो प्यार सच्चा है। जो मनुष्य एक दूसरे से करते हैं वो प्यार सच्चा नहीं है, वो तो झूठा है, वे लोग तो धोखे दे देते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्यार हमसे करता है जो कभी भी धोखा नहीं देता, जो कभी भी नहीं छोड़ता है। और इस बहन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से उस डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब वो बहन बिल्कुल भली चंगी हैं, खुश हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप आज डिप्रेशन में हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको उस डिप्रेशन से छुटकारा देंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 27 से 31 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एक लेवी नामक चुंगी लेने वाला चुंगी चौकी पर बैठा हुआ था और चुंगी ले रहा था। वहां से जब यीशु मसीह गुजर रहे थे तो यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उस चुंगी लेने वाले ने अपना सब कुछ वहीं पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा और उसके लिए यीशु मसीह के लिए उस चुंगी लेने वाले ने अपने घर में भोजन तैयार किया। इस बात को देखकर शास्त्री और फरीसियों ने यीशु मसीह के चेलों से कहा कि तुम तो चुंगी लेने वालों के साथ पापियों के साथ खाते हो, उठते बैठते हो। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्री और उन फरीसियों से कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं।
मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि वो चुंगी लेने वाला जो कि लोगों की दृष्टि में पापी था और वो वहां पर चुंगी ले रहा था और यीशु मसीह ने उसे देखकर उसे बुलाया कि तू मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, आज ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बुलाता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाते हैं अपने राज्य में, अपने राज्य में अपना बेटा, अपनी संतान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाते हैं, अपनी प्रजा होने के लिए यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह की इस बात को सुनकर, यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह की इस बात को सुनकर इस लेवी की तरह अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आते हैं, उसने क्या छोड़ा? उसने छोड़ा अपने गलत काम, अपने पापमय स्वभाव, अपने गंदे कामों को, अपने जो लूटता था उन सब कामों को उसने वहीं पर छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, अपने सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार यदि आप अपना पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर, अपने गुनाहों भरी जिंदगी को छोड़कर, अपने गलत कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस लेवी के साथ में उसके घर में भोजन किया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके घर में, आपके साथ में भोजन करेंगे, प्रभु आपके हृदय में वास करेंगे, प्रभु आपके साथ में रहेंगे। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मेरे प्रियो, यदि आप बीमार हैं, यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, यदि आप आत्मिक रूप से बीमार हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप तनाव में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप निराशाओं में हैं, आप चिंताओं में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस लेवी की तरह प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो आपको बुला रहा है, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन को शांति से भर देगा, वो आपको उस तनाव से बाहर निकाल लेगा, वो आपको समाज में फिर से स्थान देगा, वो आपको आदर सम्मान और आपके जीवन को बहुतायत की आशीषों से भर देगा। मेरे प्रियो, आज से पहले इस लेवी के घर में किसी धर्मी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया, परंतु आज पहली बार है प्रभु यीशु मसीह उससे इतना प्रेम करते हैं। हालांकि वो पापी है, हालांकि उसने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने भोजन किया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से चाहे आपने अपने जीवन में कितने भी गुनाह क्यों न किए हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर अपना हृदय, अपना जीवन प्रभु को दे दें, उसके पीछे चल पड़े, अपने पुराने कामों को छोड़ दें, अपने गंदे कामों को छोड़ दें, तो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में भोजन करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बीमारों के लिए आया हूं, मैं अधर्मियों के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, ताकि वो अपने मन को फिराएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। यदि आप सोचते हैं आप बहुत बड़े गुनहगार हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप समाज की दृष्टि में तुच्छ हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आए हैं। मेरे प्रियो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुड़ा सके, इन गुनाह से आपको छुड़ा सके, इस अनादर से आपको छुड़ा सके मेरे प्रियो, और आपको आशीषित कर सके, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। आपको बुला रहे हैं कि मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मैं तेरी परिस्थितियों को बदल दूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मैं तेरे हृदय में आकर आऊंगा, मैं तेरे हृदय में आऊंगा, मैं तेरे घर में आकर भोजन करूंगा, तेरे साथ में रहूंगा, तुझे आशीषित करूंगा, तुझे फिर से समाज में आदर सम्मान दूंगा, तुझे अपना बेटा और बेटी बनाऊंगा, तुझे स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, तो प्रभु के पास आ जाएं, अपने पुराने कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। मेरे प्रियो, इस लेवी की तरह प्रभु आपके हृदय में आना चाहता है, प्रभु आपके घर में आना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज को सुने और उसके पीछे चल पड़े। जिस प्रकार से ये लेवी प्रभु के पीछे चल पड़ा, उसी प्रकार से आप भी प्रभु के पीछे चल पड़े। वो आपको बुला रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं। आज की शाम में हम अपने मन की बातों को यीशु
के सामने रखें, यीशु से मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु जी, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपने प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखकर प्रभु ये समय दिया कि शाम के समय हम दिन भर की तमाम बातों के लिए मेरे खुदावंद हम आपके नाम की महिमा करें प्रभु। मेरे पिता, जब आपने ये संगति दी है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु तेरे नाम को सराहें, तेरे नाम की स्तुति आराधना और तेरे नाम की तारीफ करें प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे पिता तूने हमें ये सुंदर संसार दिया है प्रभु। तूने हमारी सृष्टि की है प्रभु, पेड़ पौधे पक्षियों को सब कुछ तूने बनाया प्रभु जी, और सब कुछ को तूने प्रभु अपने शब्दों से बनाया। लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु पिता, उसी प्रकार तूने मनुष्य की सृष्टि की प्रभु, और मनुष्य तेरी उत्तम सृष्टि है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन इन भाई बहनों के लिए जो मेरे साथ आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है। लॉर्ड फादर, प्यारे प्यारे प्रभु जी, इन सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए, अपने पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता ये तेरी उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से बढ़ने पाए। लॉर्ड फादर, मैं दुआ करती हूँ लॉर्ड फादर, आप इन्हें जुम्बिस करें प्रभु, तेरी प्रेजेंस प्रभु जी इनके संग में होने पाए। लॉर्ड फादर, मेरे यीशु पिता प्रभु, आप इनके संग में होइए प्रभु, हर एक खतरे मुसीबतों से दुख बीमारियों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। लॉर्ड फादर, आज की शाम में प्रभु तेरी प्रेजेंस को ये फील करें प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु, सच में मेरे खुदावन, तू प्रभु शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर प्रभु, तू शरीर में होकर इस धरती पर आया प्रभु, प्रभु तू शरीर में प्रकट हुआ पिता परमेश्वर, और आत्मा में धर्मी ठहरा प्रभु, तू अपनी महिमा में उठा लिया गया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर प्रभु, तू पापियों के लिए इस धरती पर आया प्रभु, ताकि तू उन्हें छुटकारा दे, ताकि तू उन्हें पापों की क्षमा दे, ताकि तू उन्हें शैतान के बंधनों से छुड़ाए। लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु आपने प्रभु इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर बुलाया है, इनके नाम को लेकर पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है। मेरे प्रभु, जब ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरी भेड़े हैं प्रभु, तो इन्होंने तेरे शब्द को सुना है कि तूने इन्हें बुलाया है, तूने इन्हें अपने पीछे होने के लिए बुलाया है। लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ तुझ पर विश्वास करने के लिए, अपना जीवन तुझे देने के लिए तूने बुलाया है। लॉर्ड फादर प्रभु, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें, और होने दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन कि सच में प्रभु, जिस प्रकार हमने प्रभु आज के तेरे वचन को सुना प्रभु, ये वचन प्रभु हम सबके जीवनों में प्रभु कार्य करे, इस भाई इस बहन के जीवनों में कार्य करे। जब ये मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, जब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे, तू सच्चे जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे प्रभु, क्योंकि इनकी आशा सच्चे और जीवित परमेश्वर पर है, जिसने सब कुछ को बनाया है। मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ मेरे पिता कि प्रभु आज की शाम में मेरे पिता परमेश्वर, आप इनके हर एक गुनाहों को क्षमा करें, क्योंकि आप पापियों के लिए इस धरती पर आए प्रभु जी। मेरे पिता, इनके पापों को, इनके पापों से इन्हें छुड़ाने के लिए, इन्हें छुटकारा देने के लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, होने दे इस भाई इस बहन को, इनके पापों से आप छुड़ाएं, आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु, हर एक गलत बातों से, हर एक प्रभु शैतान की बातों से आप इन्हें छुटकारा दे, आप इन्हें के बंधनों से छुड़ाएं प्रभु, हर एक बंधन हर एक पाप इनके जीवनों से दूर होने पाए। लॉर्ड फादर प्रभु, पिता अपनी प्रभु ये तेरी छवि में बढ़ते चले जाएं मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु हमने तेरे वचन को सुना कि प्रभु तूने उस चुंगी लेने वाले को बुलाया पिता परमेश्वर कि तू मेरे पीछे हो ले, उसी प्रकार मेरे पिता इस भाई इस बहन को तूने अपने पीछे होने के लिए बुलाया है, आपने इन्हें बुलाया है पिता परमेश्वर एक उत्तम योजना के लिए, एक अच्छी योजना के लिए, इन्हें अनंत जीवन देने के लिए, इनके पापों से इनका उद्धार करने के लिए, इन्हें प्रभु जी स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह आपने इस भाई इस बहन को बुलाया है। पाप की मजदूरी, चिंता परेशानी, विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए आपने इन्हें बुलाया है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावंद, होने दे पिता परमेश्वर, यह अपने जीवन की हर एक गलत बातों
बातों को छोड़कर पिता तेरे पीछे हो ले, जिस प्रकार वो चुंगी लेने वाले ने प्रभु अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया, अपने गलत स्वभाव को, अपना सब कुछ गलत काम छोड़कर तेरे पीछे आया, उसी प्रकार ये भाई ये बहन प्रभु अपना गलत स्वभाव, अपना पुराना मनुष्यत्व, हर एक पाप का स्वभाव यीशु मसीह ये पीछे छोड़कर तेरे पास प्रभु खाली होकर आए, ताकि ये तुझसे भर पाए, ताकि प्रभु जी प्रभु तेरी पवित्रताई से भरने पाए, ताकि तेरी सिद्धताई में बढ़ने पाए। लॉर्ड फादर आज की शाम में मेरे पिता हर एक गलत बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन से निकल कर चली जाए। हर एक एडिक्शन, हर एक पाप का स्वभाव, हर एक व्यभिचार, हर एक अभिलाषा यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए मेरे प्रभु। ये तेरी आवाज़ को सुनने पाए प्रभु। यदि अभी भी प्रभु जी इन्होंने तेरी आवाज़ को नहीं सुना है प्रभु, होने दे ये तेरी आवाज़ को सुने परमेश्वर, और तेरे पीछे प्रभु दौड़े दौड़े आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि प्रभु ये भाई बहन आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर निर्बल हैं, दुर्बल हैं पिता परमेश्वर, यदि प्रभु शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं मेरे पिता, यीशु के नाम से आप इन्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से चंगा करें मेरे खुदावन। मेरे प्रभु यदि इनके जीवनों में आनंद नहीं, यदि इनके जीवनों में प्रेम नहीं, यदि इनके जीवनों में शांति नहीं, तो प्रभु जिसके जीवन में आनंद नहीं आप उनको आनंद से भर दीजिए, जिनके जीवनों में शांति नहीं उन्हें आप शांति से भर दीजिए, जिनके जीवनों में प्रेम की घटी कमियां हैं उनके जीवन में आप उन्हें प्रेम से भर दीजिए पिता। जो अपने डिप्रेशन और निराशा में अपना जीवन गुजार रहे प्रभु, हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन इनके जीवनों से चला जाए, हर एक चिंता इनके जीवनों से चली जाए, हर एक अकेलापन इनके जीवनों से चला जाए मेरे पिता। आप इन्हें आत्मिक रूप से चंगा करें, आप इन्हें शारीरिक रूप से चंगा करें मेरे पिता। यदि आज की शाम में मेरे प्रभु ये शारीरिक रूप से कमजोर है पिता, मेरे प्रभु शारीरिक कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ये बीमार है आज की शाम में मेरे पिता, यदि इनके घर परिवार में कोई भी बीमार है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से निकल कर चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल कर चली जाए, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से निकल कर चला जाए मेरे प्रभु। हर एक यूरिन इन्फेक्शन, हर एक एसिड बनने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए मेरे प्रभु। हर एक ट्यूमर, हर एक शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम इनके शरीरों से चली जाए प्रभु। आप इन्हें आत्मिक रूप से भी चंगा करें और आप इन्हें शारीरिक रूप से भी चंगा करें मेरे पिता। प्रभु इनकी बॉडी प्रभु जी रिकवर होने पाए, यदि हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से हर एक प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। अपने चंगाई भरे हाथ को छू लीजिए, क्योंकि प्रभु जी आप प्रभु, क्योंकि वैद्य की जरूरत प्रभु जी प्रभु बीमारों को है, भले चंगों को नहीं प्रभु। यदि ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर बीमार है तो आप इन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन की सुख शांति इनके जीवनों में आए, यदि प्रभु इनके जीवनों में कभी भी इन्होंने सुख को नहीं देखा है प्रभु, यदि पिता परमेश्वर प्रभु हर समय प्रभु इन्होंने अपने जीवनों में कठिन समय दुख देखा है, कोई भी सुख का समय नहीं देखा यीशु के नाम से प्रभु, आज से इनके जीवनों में सुख आने पाए प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में आप इन भाई बहनों को, इनके परिवार में हर एक जन को पिता मीठी और सुकून भरी नींद दे मेरे परमेश्वर पिता। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो बच्चे रात को रोते और चिल्लाते हैं पिता, यीशु मसीह आप उन्हें सुकून से सोने में मदद करें। यदि प्रभु उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उन बच्चों का डाइजेशन हील होने पाए लॉर्ड फादर। मेरे प्रभु हर एक नेगेटिव विचार, हर एक दुष्ट के कामों से, हर एक बुरे सपनों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें लॉर्ड फादर। मेरे प्रभु आज की शाम में मेरे पिता हर एक चिंता, संकट, मुसीबत, विपत्तियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। जिस बात के लिए ये भाई बहन प्रार्थना करे, कमेंट्स करे लॉर्ड, आप उनकी सुधि लेके इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। यूं ही हम सब निरंतर सुबह और शाम की प्रार्थना में संगति करें, प्रभु के वचन से सीखें और उससे प्रार्थना करें। यूं ही हम लोग संगति में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको और आपके परिवार को नामो नाम आशीष दे। जय।